हिंगना तालुका की आर्थिक रूप से संपन्न मानी जाने वाली बुखारा ग्राम पंचायत के सरपंच सदस्यों ग्रामीणों ने नागपुर जिला परिषद के अंतर्गत बुखारा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 5 स्मृति नगर में भूमिगत नाली निर्माण कार्य में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच की मांग करते हुए ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 5 स्मृति नगर का मलयुक्त पानी निकालने के लिए शासन ने जिला परिषद के माध्यम से भूमिगत नाले निर्माण करने के लिए लाखों रुपए की नीति मंजूर की थी। इस भूमिगत नाली निर्माण कार्य का ठेका मेसर्स विजय कंस्ट्रक्शन नामक निजी कंपनी को दिया गया है। शिकायतकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है कि निर्माण कार्य के समय ठेकेदार ने सरकारी नियम को दरकिनार कर निकृष्ट दर्जे का निर्माण कार्य किया है। भूमिगत नाली के निर्माण में ठेका शर्तों के अनुसार ठेकेदार काम नहीं किया गया। निर्माण के कार्य में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इसके बावजूद इस प्रस्ताव को ग्राम विकास अधिकारी एवं बीडीओ ने मनमाने निर्माण कार्य की रकम मेसर्स विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी नामक ठेकेदार को भुगतान कर दिया है, जिसका विरोध करते हुए सरपंच व सदस्यों ने निर्माण कार्य में हुई लाखों रुपए की भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। नमस्कार दर्शकों, इस बार फिर से हम एक बुखारा ग्राम पंचायत में जहाँ पे समस्याओं का अंबार लगा है दलित बस्ती में यहाँ हम लोग खड़े हैं, जहाँ रोडों के काम को लेकर और नाली के बांधकाम को लेकर जनता को काफी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे कल जो है जल भराव हो चुका था। यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्थानीय नागरिक, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या इनको तकलीफ है। दीदी, जिस तरीके से आप देख आपको कहीं ना कहीं तकलीफें का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या तकलीफें थी, क्या सामना करना पड़ रहा है? ये जो सीवरेज लाइन डाली गई है ना, इससे ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे घर में पूरा का पूरा पानी आ रहा है। आजू बाजू के पूरे रोड्स पैक हो चुके हुए हैं, पानी का प्रॉब्लम है सर। ये पाइप से पानी तो जा नहीं रहा और ये पाइप हमारे किसी भी काम का नहीं है, और पूरा का पूरा कल घर में पानी भरा हुआ था। तो क्या बैड क्वालिटी का काम हुआ है? एकदम थर्ड क्लास काम हुआ है, जो भी काम है ना एकदम थर्ड क्लास है। ये सीवरेज हमारे कोई काम का नहीं है, ये पाइप लाइन ऐसी ऊंची डली हुई है और हमारा जो घर है ना यहाँ पे वो डाउन में है, तो ये हमारे कोई काम का नहीं आ रहा है। उल्टा हमारे घर में कल पहली बार ऐसा हुआ है लाइफ में कि पानी भरा हुआ है पूरे घर के अंदर में। पूरा का पूरा सामान भर चुका था, पूरा की पूरी चीजें गिरा। तो बहुत कुछ है, क्योंकि कभी साइकिल आई है लेकिन कभी बच्चे साइकिल चला नहीं पाए हैं, कभी सांप निकलते कुछ निकलता। और तकलीफ तो हमेशा, मेरी शादी को 8 साल 10 साल हो रहे हैं, मुझे तकलीफ तो बहुत है, लेकिन मैं पकड़ू किसको किसको बोलूं। अब जितने लोग मुझे दिखते हैं कि इनकी पहचान है, उनको लोग को बोल और शादी के मेरे 8 साल के बाद घर में इतना पानी घुस चुका, चावल दाल तेल सब खत्म हो चुका। मुझे कल ये भी नहीं बोले उनका गलत डाली है, लेकिन वापस जा रहा है पानी, मतलब ये पाइपलाइन ही गलत की है। पाइपलाइन गलत डाला हुआ है। तो काम, ये जो काम हुआ है रोड का और नाली का, कहीं ना कहीं गलत हुआ है, क्वालिटी इसकी बेकार है, ऐसा कर? हाँ, ये गलत है, ये लैंड साइड ही डाला हुआ है। पानी बाहर जाना चाहिए, वो अंदर जा रहा है पानी। हमारे साथ ग्राम पंचायत के भी कुछ पदाधिकारी है मौजूद है, यहाँ उनसे पूछना चाहेंगे कि भैया, जिस तरीके से आपका जो है ये वार्ड, आप एक लोक प्रतिनिधि करके जनता ने आपको चुन कर दिया, जनता की काफी यहाँ पे जो है समस्या है, इसके ऊपर निराकरण के लिए क्या कहना चाहूँगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये जो रोड, ये रोड को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। ये रोड पे 2 लोकेशन सेंक्शन हुए थे, एक दलित बस्ती करके 5 लाख का रोड, जो रोज उठा के कहाँ गया मेरे को भी नहीं पता, और उसका पैसा निकाला जा चुका है ग्राम पंचायत से, जिसकी जिम्मेवारी एक तो गढ़ विकास अधिकारी और सचिव की जिम्मेदारी रहती है, उसमें सरपंच का कोई रोल काल नहीं रहता है। वीडियो आपका कहना है कि रोड यहाँ बना था, कहा गया पता नहीं, पर पैसा उठा लिया गया। हाँ, पैसा उठा लिया गया, यानी रोड चोरी हो गया है यहाँ पर। और दूसरी बात, ये जो रोड, ये नागरिक सुविधा करके एक विजय कंस्ट्रक्शन का ये जो नाली बनाई गई है, ये थर्ड क्लास नाली बनाई गई है, उसको मैंने लाया था ठेकेदार को, पर उसको दबाव में आकर या जो भी कुछ, उसको उसका बिल निकल चुका है, और पूरी 1100 मीटर की नाली वार्ड नंबर 5 में थी, नागरिक सुविधा विजय कंस्ट्रक्शन करके कंपनी है। तो और जहाँ तक मेरे को पता चला है कि वो जिला परिषद से कनेक्टेड है, जिला परिषद से वो ठेकेदार कनेक्टेड है, पर मेरी मांग यही है कि दलित बस्ती का जो रोड, जो दलित है ना, कि जिला परिषद के अधिकारी और ठेकेदार की मिली जुली भगत है, ऐसा करना चाहते हो? सकता है, हो सकता है। मेरा ठेकेदार वो जिला परिषद नाम क्या है ठेकेदार का? विजय कंस्ट्रक्शन, ओबराय करके एक ठेकेदार है। पर मेरी मांग यह है कि जो दलित बस्ती का रोड चोरी हो गया, जो लोगों को वंचित किया गया, दलितों को यहाँ से, वो रोड का पता लगा जाए, आपके मापद से मैं बोल रहा हूँ, वो रोड की जांच की जाए करके, ये मेरी मांग है। कि यहाँ पे पिछले 15 साल के कांग्रेस की सत्ता थी, ये पहली बार है कि बीजेपी के सरपंच यहाँ पे चुन के आए हैं, तो
हमारे जो आमदार साहब है सम्मानीय मेरी साहब, उन्होंने ये जनता को बोला था कि अगर आप हमारे सरपंच चुन के देते हो तो मैं आपको विकास निधि के लिए 3 करोड़ रुपए देता हूँ। तो जो लोगों ने सरपंच साहब को चुन के दिए और लोगों का प्यार देखते हुए और ज़रूरत देखते हुए उन्होंने 3 करोड़ की बजाय हमें 6 करोड़ का विकास निधि दिया, और उसी विकास निधि को देखते हुए सेम लोनारा गाँव में भी बीजेपी की सत्ता बैठी। अब यहाँ ऐसा है कि पहले जिला परिषद सर्कल में गोधनी था, जो जिला परिषद में आता था वो नगर पंचायत हो चुका है। तो जिला परिषद में बोखरा ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जिला परिषद के लिए। तो अभी जैसे ही लोनारा में बीजेपी की सत्ता बैठी, बोखरा में बीजेपी की सत्ता बैठी, तो कहीं ना कहीं सम्माननीय उपाध्यक्ष मैडम को ये डर लग रहा है कि शायद अभी इसके आगे उनकी राजनीति चल नहीं पाएगी। और जब से लोनारा में बीजेपी की सत्ता बैठी तब से इंक्वायरी का नाटक चालू हुआ, कहीं ना कहीं कट रचा जा रहा है जी। उनका ये कहना है कि पिछले 1 महीने में उन्होंने इंक्वायरी डाली, जो कि सरासर झूठ है। जनवरी महीने से इंक्वायरी चालू है, पहले इंक्वायरी हुई 25-15 के कामों की, तब तक ठेकेदारों का एक भी पेमेंट ना किया गया ना किसी ऊपर साइन की गई। बाद में बड़ी मुश्किलों से दिक्कतों से ठेकेदारों के पेमेंट धीरे धीरे रिलीज होते गए। अब ठेकेदारों का इतना है कि कैसे भी करके अभी वो फिर से खड़े हो रहे हैं, फिर से वापस काम चालू कर रहे हैं। तो अभी वापस उन्होंने ये सब इंक्वायरी का नाटक तब से चालू किया, और ये लोगों को भी समझ में आ चुका है कि जब तक जिला परिषद के इलेक्शन नहीं होते ये इनकी इंक्वायरी के नाटक चालू है। ये जो नाली का जो आप थर्ड क्लास लेवल का जो यहाँ पे वार्ड नंबर 5 में काम देख रहे हैं, इस काम के लिए जब मैंने एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जब उसके लिए बोला कि ये किस तरीके की नाली हो रही, तो हमारे उपसरपंच साहब ने बोला कि अगर मेरे वार्ड में आपने ध्यान दिया तो तुम्हारी नाक में आके दम कर दूंगा। ये ऐसी धमकियाँ हमको मिलती रहती है हमारे उपसरपंच साहब से। और आखिरी में एक सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि ये जो रोड है ये इसलिए होल्ड पे रखा गया है कि जब तक ये नाली यहाँ से निकलती नहीं, रिपेयर नहीं किया जाता, यहाँ पे रोड नहीं बना। अगर रोड बांधे तो ये रोड फोड़ना पड़ेगा ये नाली को रिपेयर करने के लिए, करके इस रोड को फिलहाल कंडीशन में होल्ड ऑन पे रखा गया है। हमारी नाली किसके तरफ से बनाई गई, कौन सी निधि के अंतर्गत? ये उपाध्यक्ष मैडम के ठेकेदार है विजय कंस्ट्रक्शन। उपाध्यक्ष मैडम माननीय कुंदाताई राउत जो जिला परिषद के उपाध्यक्ष है, उनके ठेकेदार है विजय कंस्ट्रक्शन, उनके द्वारा ये नाली की गई है। और उनका पेमेंट भी पहले जो सचिव थे पोटबरे साहब, उनको पता है कि ये काम ठीक से नहीं हुआ है और दलित बस्ती का भी नहीं हुआ है, तो उन्होंने पेमेंट रिलीज नहीं किया था। पर जो बाद में सचिव आए उनके ऊपर इंक्वायरी का प्रेशर डाल के, सस्पेंशन का प्रेशर डाल के इस काम का पेमेंट रिलीज किया गया, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे रोड नहीं है लेकिन दलित बस्ती के नाम से पेमेंट रिलीज हो चुका है। आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे सम्माननीय कुंदाताई राउत जी को नागरिक सुविधा के काम मेरा कॉन्ट्रैक्टर करेगा, ये करेगा वो करेगा, नाली जैसी बनी हम 10 बार आए यहाँ स्पॉट, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेंबरों ने कंप्लेंट भी करे है, गांव वालों की कंप्लेंट है, हर घर वालों की कंप्लेंट है, इनका गेट नहीं खुलता, इनके घर को इनकी 2-व्हीलर नहीं आती, इंजीनियर को लाए बोले लेवल नहीं मिल रही, ये पाइला किधर हो गई और चेंबर किधर है, एक भी घर वाले का पानी वो चेंबर में नहीं गया, इसकी भी कंप्लेंट है, तो भी इन्होंने प्रेशर डाल के बिल निकाल ली, ये कंप्लेंट का कागज है, और यहाँ दलित बस्ती में रोड सैंक्शन हुआ था, यहाँ का रोड और कहीं लेके गए, उस मतलब ये रातों रात रोड कैसे लेके गए, क्या मामला है पूरा? दलित बस्ती का लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, उन्होंने कर लिया अपने लेवल पे, उधर काम करके बिल निकाल लिए प्रेशर डाल के, रोड कहीं का और कहीं का काम करके बिल निकाल, हाँ, और दलित बस्ती के बारे में सरपंच की साइन नहीं लगती, BDO सचिव की साइन लगती। आज ये पाइपलाइन की लेवल नहीं मिलने से गिट्टी डाल के रखे, ये रोड के बारे में कल चर्चा किए कि काम नहीं किए, बिल उठा लिए, अगर ऐसा हुआ होगा और जितनी इंक्वायरी लगी है 1,000 रुपये की, अगर मेरी चोरी छपड़ी तो मैं कल राजीनामा दे दूंगा, ये सब राजनीति कर रहे हैं, आम जनता बहुत परेशान। कल आना था तो पूरे 6 वार्ड में आना था, वार्ड नंबर 5 में मैं तो पूरा दिन भर घूमा, मेरे को किसी का फोन नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। ऊपर NBC न्यूज के लिए खापरखेड़ा से मयूर तिरपुड़ी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आए मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस PSK मशीन। मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।